हमारा आज का टॉपिक है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी इज अ स्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स व्हिच इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर व्हिच कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो डिक्शनरी डाटा भी हमारी नॉर्मल डिक्शनरी की तरह होती है, जैसे हम डाटा उसमें नंबर ऑफ जो करेक्टर्स हैं वो एक तरह से अरेंज होते हैं, नंबर ए बी सी डी के अकॉर्डिंग अरेंज किए होते हैं, उसी तरह से डाटा डिक्शनरी में भी वो अरेंज होते हैं, असेंडिंग भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग भी हो सकते हैं, इट कैन बी न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले है इसमें कि फॉर्मेट क्या होता है डाटा डिक्शनरी का। फॉर्मेट के लिए हम सबसे पहले होता है नेम, देन एलिस, देन वेयर यूज्ड, हाउ यूज्ड, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, देन कंस्ट्रेंट्स। तो ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है, हमें इसे लाइन वाइज इसको ऐसे ही याद करना है। उसके बाद जो डाटा डिक्शनरी होती है हैज़ सम आइटम्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, नंबर वन डाटा एलिमेंट, नंबर टू डाटा स्ट्रक्चर एंड नंबर थ्री डाटा फ्लो एंड डाटा स्टोर। सबसे पहले बात करते हैं डाटा एलिमेंट की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट प्रोवाइड नो फर्दर डिकम्पोजिशन। तो डाटा एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आगे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा कंसिस्ट ऑफ अ डे, मंथ एंड अ ईयर, तो ये एक हमारा एक सिंगल डाटा एलिमेंट हो गया, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। देन डाटा स्ट्रक्चर, अ ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट हैंडल्ड एज अ यूनिट विच हैज़ बेसिक लॉजिक एंड मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स के ग्रुप हो जाएगा। देन डाटा फ्लो एंड डाटा स्टोर, डाटा फ्लो आर द डाटा स्ट्रक्चर इन रेस्ट, मतलब जब हमारा जो रिलेशनशिप जो शो करेगा थ्री स्ट्रक्चर्स में। तो ये हमारे तीन थे। उसके बाद बात करते हैं रोल की। बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, इसमें सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि डाटा डिक्शनरी क्या होता है। देन हमारा लास्ट जो इसमें पता होना चाहिए हमें वो है रोल ऑफ डाटा। तो जो डाटा डिक्शनरी है एंड डाटा डिपॉजिटरी है, ये दोनों यूज़ होते हैं टू इंडिकेट अ मोर जर्नल सॉफ्टवेयर यूटिलिटी देन अ कैटलॉग। अब कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी तो एक ही बोलोगे आप, बट नहीं, ये दोनों अलग होते हैं। जो कैटलॉग है वो क्लोजली रिलेटेड है विद DBMS सॉफ्टवेयर, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट टू यूज़र एंड द DBA, बट इट इज़ मेनली असेस्ड बाई द वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ DBMS itself, जैसे DDL हो गया, DML हो गया, तो ये अलग अलग में यूज़ होता है। पर जो डाटा डिक्शनरी है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है मेटा डाटा। मेटा डाटा से मतलब क्या होता है कि जो डाटा है उसमें वो अबाउट डाटा है, तो हमें वो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जैसे अगर डाटा डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं ओनली बाय द डिज़ाइनर, यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर और DBMS सॉफ्टवेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे पैसिव डाटा डिक्शनरी बोलेंगे, अदरवाइज़ वो एक्टिव डाटा डिक्शनरी होगी या फिर डाटा डिक्शनरी होगी। और एक एक्टिव डाटा डिक्शनरी इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड एज चेंज अकर्स इन द डाटा बेस, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है। और जो पैसिव होती है वो मैनुअली अपडेट होती है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है। एंड डाटा डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड टाइप क्रिएटेड इन द डाटा बेस बाई द सिस्टम जनरेटेड कमांड फाइल्स स्पॉटेड बैक एंड DBMS, जैसे कमांड फाइल्स होगी SQL एंड सिस्टम लाइक क्रिएट केबल, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, अल्टर टेबल, तो ये सब जो भी हैं वो डाटा बेस में आएंगी। तो जो डाटा बेस यूजर्स होते हैं और एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो दोनों ही बेनिफिट ले सकते हैं डाटा डिक्शनरी डॉक्यूमेंट से। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डाटा डिक्शनरी क्या होता है।